हेलो साशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? खैरियत से हो? क्या बताऊँ साशा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अंकल की तबीयत कैसी है? घर शिफ्ट होगा? नहीं साशा, वो अभी तक ICU में है, पता नहीं कब ठीक होंगे। और बाकी घर वाले, वो सब ठीक हैं तुम्हारे साथ? क्या बताऊँ साशा, तुम्हें पता है हसन के पप्पो को लगता है कि अंकल को अटैक आने की वजह मैं हूँ। लोगों में कोई एहसास नहीं है साशा, अभी तक मेरे खिलाफ प्लानिंग और स्कीम्स कर रही है। और हसन भाई? वो खुद बहुत परेशान है साशा, लेकिन मेरे साथ है, एटलीस्ट मेरी बात समझता है। कभी कभी मुझे उस पर खुद बहुत तरस आता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा साशा, मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं, तुम कैसी हो, सब ठीक है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, और तुम मेरी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अपने हालात इतने टफ चल रहे हैं। You know I'm a fighter, right? और तुम्हें भी यही बनना है। देखो अभी जैसा घर हर किसी को नहीं मिलता, और ये मैंने समझ लिया। और तुम भी इस चीज को समझ लो, और जिस बात में आके कभी कोई फैसला मत लेना। मैं समझ रही हूँ जो है। तुम्हारे वक्त में तो ऐसे नहीं थे, अभी तुम भी तो वहां फंस गई हो। जोया अभी से बात करो यार। मैंने उन्हें हाँ तो कर दिए, पर सच्ची बात है मुझे भी शादी नहीं करनी। पता नहीं अभी को क्या जल्दी पड़ गई है मेरी शादी की, मुझे अभी स्पेस चाहिए सबको समझने के लिए। साशा साशा देखो रो मत, यहाँ भी हालात ठीक नहीं है, वरना मैं वहां आ जाती। जोई तुम्हारी बात अभी कभी भी नहीं डालेंगे, प्लीज थोड़ा सा समझाओ उन्हें। मेरी तो हर बात अब उन्हें बगावत लगने लगी है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं मौका देख के अभी से बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, जावेद अंकल को अकेला छोड़ के आना, ठीक है? प्लीज थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.